उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी और पत्नी उज्ज्वला तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी 11 मई को इंदौर की अपूर्वा शुक्ला के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। शुक्रवार को नई दिल्ली के 5 अशोका रोड स्थित आनंदा भवन में हुए विवाह समारोह में कई नेताओं ने भी शिरकत की। शादी के तुरंत बाद रोहित वधु अपूर्वा के साथ दिल्ली के मैक्स अस्पताल पिता एनडी तिवारी से आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां वो बीते 8 महीने से एडमिट है। एनडी तिवारी को पिछले साल सितंबर में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रहने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाए हैं। रोहित और अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। दोनों की मुलाकात वहीं हुई। इसके बाद पिछले 1 साल से दोनों परिवारों में रिश्ते को लेकर चर्चा चल रही थी। गौरतलब है कि रोहित शेखर ने एनडी तिवारी को अपना पिता साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए डीएनए टेस्ट भी कराया था, तब जाकर तिवारी ने रोहित को अपना बेटा माना था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।